पारलाखेमुंडी एसीएफ समीरंजन मृत्यु मामलें तंक पत्नी विद्याभारती लाय डिटेक्शन शेष हो भुवनेश्वर एसएफ एसएल चली मिछ धरा परीक्षा विशेषकर घटना दिन कौन घटी से नहीं 161 रे रेकर्ड होता बयान सत ना मिछ जानवाक प्रयास करिछि क्राइम ब्रांच मिलिथिबा सूचना अनुसार स्वामी समीरंजन बाबदरे पचारिबारु विद्याभारती भावविहोळ होइपड़िथिले घटना दिन कौन होता कहवा बेले कांदी पकाइथिले से प्राय 4 घंटा धरी विद्याभारती लाय डिटेक्शन शेष होता पालाखेमुंडी एसीएफ मृत्यु मामलें पूर्वर डीएफओ और रोसेया लाय डिटेक्शन टेस्ट शेष होता मृत समीरंजन बापा अभियोग आधार में पत्नी विद्याभारती डीएफओ संग्राम बेहरा और रोसेया मनमथ कुंभ को तदंत परिसरभुक्त करिछि क्राइम ब्रांच तीन जनक लाय डिटेक्शन टेस्ट तथ्य आधार में तदंतकारी संस्था ए दिगरे तदंत को आग को बढ़ाइबो तेबे समीरंजन मृत्यु को 2 मासरु अधिक समय बीती जाइथिले मध्ये एजाए तदंतकारी संस्था सफलता पाइना भद्रक बारीपदा आईटीआई रे छात्र उत्तेजना टायर चली रास्ता रोक कले उत्तेजित छात्र सूचना मुताबक 2018 मसीह रे छात्र माने एडमिशन करथिले किंतु 3 वर्ष बीती जाइथिले मध्ये ना हेउछि फॉर्म फिलअप ना हेउछि परीक्षा सेथिनै अनेक थर कर्तृपक्षक सह आलोचना परे मध्ये विफल हेबा परे आज टायर चली भद्रक आनंदपुर मुख्य रास्ता बंद करिछन्दि छात्र माने निज फिल्म को नहीं सब चर्चा रही था साउथ सुपरस्टार स्थलपति विजय हेले एथर से फिल्म को नहीं नुहे निजर व्यक्तिगत बिवाद को नहीं चर्चा आज बापा माँ सहित अन्य 11 जन विरोध में विजय कोर्ट में पहुंचा खबर एवं चर्चार विषय पलटि तेब हठात से एभली निज बापा माँ विरोधी कहीं से प्रश्न एवं समस्त मनरे मिलता सूचना मुताबक कथा हो विजय बापा तथा फिल्म निर्देशक एस ए चंद्रशेखर निकट एक राजनैतिक दल गढ़ी जार ना रखा जाइला ऑल इंडिया थलपति विजय मुस्कान याकाम यापर विजय राजनीति में पाद देवे आलोचना होगा लगला हेले एपरी गुजब को एक गणमाध्यम जरिया प्रत्याख्यान करते विजय कही मो बापा दे राजनैतिक बृत्ति सहित मोर प्रत्यक्ष कि परोक्ष भाव में कौन संपर्क ना मो बापा राजनैतिक आकांक्षा को अनुसरण करने को बाध्य नुहे मु मोर प्रशंसक मानू अनुरोध करुच्चे मो बापा आरंभ कर दल में जोग न दिंतु जदि कहीं निजर राजनैतिक आकांक्षापी मो नाम फटो किंवा मोर फैन क्लब गुड़िकर अपव्यवहार करने को चेष्टा करती मुझे विरोध में आवश्यक कार्यानुष्ठान ग्रहण करी दल में कौन भाव में विजय को संप्रक्त नक विजय बापा और माँ पूर्व चेत सत्वे संप्रक्त कर पदक्षेप नहीं जमापड़ी आसंता 24 घंटा मध्य राज्य में 10 ऊर्ध जिले प्रबल वर्षा संभावना रही जिलागुड़िकर बालेश्वर मयूरभंज केन्दुआ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा नुआपड़ा बलांगीर नवरंगपुर कलाहांडी कोरापुट और मलकानगिरी आदि रही जिलागुड़िकर गोटे दुईट स्थान में प्रबल वर्षा संभावना रही जिलागुड़ी आंचलिक पापाग केन्द्र पक्ष येलो वार्निंग जारी करप्टेम्बर 20-21 तारीख मध्य उत्तर ओडिशा समेत नुआपड़ा नवरंगपुर कलाहांडी बलांगीर कोरापुट मलकानगिरी व्यतीत किसी स्थान में हल्का वर्षा सहित वज्रपात होबार संभावना रही। आज पंजाब 16तम मुख्यमंत्री भाव चमकोर साहेब विधानसभा निर्वाचन मंडल विधायक 58 वर्षीय चरणजीत सिंह चन्नी शपथ ग्रहण करिसेंति। पंजाब राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित तंकु पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइछन्ति। तंक परे राज्यपाल पुरोहित कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधवा एवं ओपी सोनी को मंत्री भाव शपथ पाठ कराई। पंजाब नूतन मुख्यमंत्री भाव शपथ नेवापर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एवं पंजाब कांग्रेस सभापति नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत को अभिनंदन जनाई। राहुल गांधी उक्त शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रही। चरणजीत राजभवन में पहुंचा पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता समस्त बहु मान्यगण्य व्यक्ति शपथ ग्रहण उत्सव में जोगदेवा लगी राजभवन में पहुंची। भुवनेश्वर पुणी कला पल्सर आतंक कला पल्सर में आसी महिला बेकर झांपि ने सुना चेन तीन जन दुर्वृत्त गोटे पल्सर में आसी एभली कांड घटाई बेले खारवाड़ नगर थाना अभियोग कर जन महिला घटना को नहीं छानबीन आरंभ कर पुलिस। रुषर पर्म क्राई अंचल पर्म स्टेट यूनिभर्सीटे निर्विचार भाव गुड़ चल 8 जनकर जीवन नेवास अन्न्य 6 जन को आहत कर जड़े बंदूकधारी रुषीय आईन प्रवर्तन निहत करआरटी न्यूज रिपोर्ट कर प्राप्त प्रारंभिक सूचना अनुसार जड़े अज्ञात व्यक्ति पीएसयूर गोटे अट्टाड़े गुड़ चलते। रुषर स्वास्थ्य मंत्रालय कहता उपरोक्त घटन 10 अधिक व्यक्ति आहत होती विभिन्न सूत्र उद्धार कर रुषर टास न्यूज एजेंसी रिपोर्ट करी आक्रमणकारी बर्तवाई केतक शिक्षार्थी विश्वविद्यालय
ଅଡିଟୋରିୟମରେ କବାଟ ଖେଳି ରହିଥିଲେ। କେତେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଝରକା ବାଟେ ଡେଇଁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା କମୁଛି ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢୁଛି। କୋଚଳା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବା ହେତୁ ବହୁ ଗାଁ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଛି। କୋଚଳା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଖୁଆପଦରାଠାରେ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବୈତରଣୀର ବନ୍ୟା ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ତିଆଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ପଶିବା ସହ ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ବୈତରଣୀରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କଣ୍ଟିଘାଇ ଦେଇ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଚାଷ ଜମିରେ ଜନବସତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଧାମନଗର ବ୍ଲକର ବହୁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପ୍ରବାହରେ ବାୟୁ ଜଗତକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି। ଏବେ ବି ବହୁ ଲୋକ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁନିଗୁଡ଼ା ଗୋଡ଼ସାହି ସ୍ଥିତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଯାଦବ ସମାଜ ତରଫରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସମାଜର ସଭାପତି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ସମାଜ ମୁଖ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବଂଶରଙ୍କର ମିଳିତ ସଂଯୋଜନାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଥମେ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବୈଠକ ଓ ଯୁବ ସଂଗଠକର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଳନ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସମାଜ କିପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ରହିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ IAS ଏବଂ IPS ଅଧିକାରୀ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଶାନଦାର ଭାବେ ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ବିବାହ ଦେଖାଉଛୁ ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ IAS ମହିଳା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଜଣେ IPS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରଳ ଢଙ୍ଗରେ କୋର୍ଟରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିବାହରେ କଲେକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଣ୍ଡପ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବରଯାତ୍ରୀ। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ୟା IAS ଏବଂ ବର IPS ଦୁହେଁ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ବିବାହ କରିଥିଲେ। SP ସହ ଅନ୍ୟ ଅଫିସର ଏହି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ରୁମ୍ରେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରି IAS ନମ୍ରତା ଜୈନ ଓ IPS ନିଖିଲଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଦୁହେଁ 2019 ବ୍ୟାଚ୍ର ଅଫିସର ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଟ୍ରେନିଂରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କ ପରିବାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅଫିସରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ।